दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीएवी पब्लिक स्कूल लठियानी। कोरोना महामारी के चलते घर में कैद लोगों को तनाव से छुटकारा दिलाने के लिए आर्मी के रिटायर्ड जवान आगे आए हैं। ऊना के कुटलहड़ में सुनील कुमार सुबह सवेरे बच्चों और लोगों को योगाभ्यास करवा रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियों के चलते बच्चे घर पर ही हैं। ऐसे में उन्हें योग के गुर सिखाकर वो बच्चों को एकाग्रता बढ़ाने के टिप्स दे रहे हैं। वहीं कोरोना के मानसिक दबाव से महिलाओं और नौजवानों को उभरने के आसन भी सिखा रहे हैं। सुनील कुमार का कहना है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। मैं सुनील कुमार, सेना से सेवानिवृत्त, कोरोना महामारी के चलते आजकल बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को योगाभ्यास करवा रहा हूं, क्योंकि बच्चे लगातार अपने अपने घरों में रह रहे हैं, जिससे बच्चों में तनाव उत्पन्न हो रहा है। योगाभ्यास करवाने से बच्चों का मानसिक स्तर उच्च बना रहेगा। नाम पूर्ण तितली आसन, एक्स्ट्रा फैट के लिए, पेट के लिए, ये देखो जॉइंटों की पेन के लिए बहुत ही लाभदायक, ठीक है। ये गुड, फिर नीचे जान दें, जमीन के साथ सटाएं नीचे, फिर वापस थोड़ी देर होल्ड करें, दोबारा वापस सर्विस करें, नीचे जमीन के साथ लगाएं, बिल्कुल। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए थाना कला से सुखदेव की रिपोर्ट। डीएवी पब्लिक स्कूल लठियाणी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई सालों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है, जिसके कारण स्कूल पूरे कुटलहड़ क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में स्कूल का परिणाम प्रतिवर्ष अव्वल आता है। इस बार भी स्कूल का परिणाम बेहतर रहा है। इस बात की पुष्टि कनिका शर्मा का बेहतर प्रदर्शन करता है। उसने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 96.43 मार्क्स के साथ प्रदेश भर में 17वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं ओशी 94% और आदित्य जसवाल 93%, श्रुति 92%, हितेश्वर 91%, ईशिता वेरुपाली 90% मार्क्स प्राप्त किए। वहीं 13 छात्रों ने 80% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए। सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानाचार्य श्री नसीब ठाकुर जी ने बताया है कि सब स्कूल के होनहार विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों के आपसी सहयोग से संभव हो पाया है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों के विकास में अभिभावकों व अध्यापकों का तालमेल जरूरी है। पिछले कई वर्षों के परीक्षा परिणाम के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने इस बार भी ये सच साबित कर दिया है कि डीएवी लठियाणी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शिक्षा जगत की बगिया में महकते गुलाब जैसे सेंट डीआर पब्लिक स्कूल गगरेट विद्यार्थियों के भविष्य को ऐसे संवार रहा है कि उनकी सफलता की कहानियां पूरे प्रदेश में डंका बजा रही हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित वार्षिक परीक्षा परिणाम में इस स्कूल के विद्यार्थी मेरिट सूची में स्थान पा रहे हैं। इस स्कूल की प्रिंसिपल सरोज शर्मा ने कुछ साल पहले अपने अथाह परिश्रम से शिक्षा का जो पौधा रोपा था, वह आज वटवृक्ष बनके विद्यार्थियों के भविष्य को ठंडी छांव दे रहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में मेरिट सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थी स्कूल के बारे में क्या राय रखते हैं, ये आप खुद जान सकते हैं। गुड आफ्टरनून, मैं अनामिका, मैंने हिमाचल प्रदेश बोर्ड में 3रा स्थान हासिल किया है प्लस टू क्लास में, और मैं सैंडियर स्कूल से नर्सरी टू प्लस टू यहाँ ही किया है, और यहाँ का स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छे हैं, और यहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम कृतिका है, मैं 12वीं कक्षा की छात्र, 3रा स्थान प्राप्त किया है पूरे हिमाचल बोर्ड में। गुड आफ्टरनून, आई एम प्राची, आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल सिंस नर्सरी, बहुत ही अच्छा स्कूल है, एंड आई हैव गॉट 4th पोजीशन इन हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मैं नर्सरी से यहीं पे पढ़ी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आओ सेंट डीआर स्कूल को चुने। हिमाचल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित प्लस टू के परिणाम में माउंट व्यू पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंजाल के छात्र शुभम जसवाल ने जिला ऊना में टॉप किया है, जबकि प्रदेश में 2रा स्थान हासिल किया है। शुभम इससे पहले बोर्ड की 10वीं श्रेणी की परीक्षा में भी टॉप 10 की सूची में रहे हैं। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय स्कूल अध्यापकों, विशेषकर स्कूल प्रिंसिपल अंशुल रांटा को दिया है। उन्होंने बताया कि शुभम के टॉप 10 सूची में आने से माउंट व्यू स्कूल भंजाल व प्रबंधन कमेटी का नाम रोशन हुआ है। स्कूल एमडी संजय कुमार ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए स्कूल स्टाफ सदस्यों को बधाई दी है।